नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कंचन ग्वालियर में गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट एंड एंडोसर्जन हूँ। और आजकल जो हम पेशेंट देखते हैं उसमें आम तौर पर जो अधिक संख्या में मरीज आते हैं वो GERD नामक बीमारी के आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको GERD क्या होता है उस थोड़ा सा मैं पेट के रोगों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आम पब्लिक को लाभ हो। देखिए, गैस की समस्या जो पेट में आमतौर पर लोगों को होती है, जैसे पेट में गैस बनना, अफरा होना और खट्टा खट्टा डकार आना, पेट में दर्द होना बीचों बीच में, लैट्रिन साफ नहीं होना, इस तरह के सिम्टम्स आए दिन हम लोग मरीजों से नोट करते हैं और उसके आधार पर हम उनका इलाज करते हैं। आजकल जो बीमारियां मुख्य तौर से जो हो रही हैं वो एसिड पेप्टिक डिजीज के कारण से हो रही हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन एसिड का बनता है और उसके कारण से पेट में बहुत सी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि GERD नाम की बीमारी है, गैस्ट्रिक इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं उसको, और अल्सर हो जाता है, इसोफेगस में बैरेट अल्सर हो जाता है, और उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा भी हो जाता है कैंसर, और स्टोमक में भी अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, और डियोडेनम में भी डियोडेनाइटिस इत्यादि बीमारियां आजकल हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि पेट की जो बीमारियां हैं उसके लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये पहले मुख्य तीन कारण हैं, हरी, बरी और करी। हरी मीन्स जल्दी जल्दी, ऐसे लोग जो अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए या अपने वर्क के लिए जाते हैं, ऐसे में क्या होता है कि हमारे शरीर की फिजियोलॉजी फास्ट हो जाती है और मेटाबॉलिक क्रियाएं तेज हो जाती हैं। उससे भी एक चिंता के कारण से उसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से पेट के रोग की बीमारियां बनने लगती हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है बरी, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। चिंता की इतनी बात नहीं है, चिंता तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बरी रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्टोमक में एसिड सीक्रेशन होता है, और उस एसिड सीक्रेशन के कारण से इक्विलिब्रियम बदल जाता है, पेट का जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है और ऐसे लोगों को भी पेट की समस्या हो जाती है। तीसरा जो मुख्य कारण है करी। करी मीन्स होता है जो लोग अधिक मिर्ची मसाला युक्त भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला, तला हुआ पराठा, पूड़ियाँ हैं, और बाज़ार में आमतौर पर जो चाट मसाले हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड जो लोग खाते हैं, जो कंट्रोल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां तुरंत पकड़ती हैं। ये आमतौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि लोग इस तरह के सिम्टम लेके आते हैं। इन सभी सिम्टम्स को अपन काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। रोकने का बहुत अच्छा उपाय है कि हम कोई भी अपना रोज़मर्रा का जो जीवन व्यतीत करते हैं उसे रिलैक्स लाइफ से और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना काम करें, जिससे कि आपको किसी काम में बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना पड़े और बहुत ज़्यादा चिंतित ना होना पड़े। तो उसका टाइम मैनेजमेंट रखें और प्रॉपर स्लीप करें और प्रॉपर टाइम पर उठें और अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करें। दूसरा, बड़ी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता करने से पेट की बीमारियाँ होती हैं जैसा कि मैंने बताया, और कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड और वाटर, ये दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कुछ खाएं उसकी मात्रा कम हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी बेटर हो, इसका निर्णय आपको खुद को करना है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, जैसे ये तो चक्की के समान है पेट, आप जो डालेंगे वो निकलेगा। आप अच्छा खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लीवर पर लोड नहीं पड़ेगा, स्टोमक पर लोड नहीं पड़ेगा, ईसोफेगस पर नहीं पड़ेगा, इंटेस्टाइन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में जो 80% वर्क का लोड लीवर पर होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमें पेट की बीमारियां हैं, गैस की बीमारियां हैं, आंत में बीमारी है, दरअसल उसका रिलेशन डायरेक्ट लीवर से होता है। तो हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम लीवर की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, चिकनी चीज़ें न खाएं,
तली चीजें ना खाएं और थोड़ा बहुत व्यायाम करें। तो इस कारण से ये मैंने जो बताया है कि अपन काफी हद तक बिना मेडिकेशन के, बिना डॉक्टर के पास जाए हुए, अपन कुछ हद तक अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं। अब हम आते हैं आमतौर पर जो बीमारी आजकल होती है उसे GERD बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है गैस्ट्रो इसोफीजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफीजियल रिफ्लेक्स डिजीज का मतलब होता है जब कभी हमारे स्टोमक का, स्टोमक मीन्स आमाशय, आमाशय और ड्यूडेनम का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसमें एसिड भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं और भी कंटेंट्स होते हैं, ये रिफ्लेक्स के कारण से उल्टा टुवर्ड्स ईसोफेगस की तरफ आ जाता है। तो ईसोफेगस का जो लोअर वाल्व होता है जिसे हम LES बोलते हैं, वो वाल्व धीरे धीरे वर्निंग होने लगता है, धीरे धीरे उस एसिड से जलने लगता है। जलने के कारण से वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन के पास जाके, और वो पेशेंट को बर्निंग करता है और बीच में एपिगैस्ट्रिक पेन करता है, बिल्कुल बीचों बीच में मरीज को पेन होता है जिसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। दूसरा GERD में मेन सिम्टम होता है रेगर्गिटेशन मीन्स चेस्ट पेन और खट्टा खट्टा सा अपने ऊपर को आना। आपने कभी महसूस किया होगा कि खट्टा खट्टा मुंह तक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेगर्गिटेशन। ये होता है, चेस्ट पेन होता है, पेट में दर्द होता है बीचों बीच में, और उल्टी का मन होता है, और ये मेन तरह से सिम्टम्स आते हैं। और कभी कभी मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है, अगर मान लीजिए वो एल्कोहलिक है तो ईसोफेगस पर ईसोफेजियल वेराइसिस बन जाते हैं जो बाद में डायलेट होके मुंह से ब्लीडिंग करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो ईसोफेगस है, जो ये मैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, रिफ्लेक्स मीन्स बैकवर्ड किसी चीज का आना, रिफ्लेक्स करना फोर्स के साथ, तो इस रिफ्लेक्स के कारण से वो जलाने लगता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, फिर इरोजन हो जाते हैं, फिर उसी जगह अल्सर हो जाता है, और अल्सर होने के बाद एक बैरेट्स ईसोफेगस होता है जो कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, कैंसर से पहले की कंडीशन, तो बैरेट्स ईसोफेगस हो जाता है और उसके बाद कैंसर बन जाता है। तो ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं जिसके कारण से मरीज हमारे पास आते हैं, हम उसके बाद उसको प्रिकॉशन बताते हैं। अब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के लिए हमको जैसे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया रोकथाम अभी कि हमको ज्यादा हरी भरी करी उससे ध्यान रखना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। दूसरा जो है ना, इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, एक तो हम सिम्टोमेटिकली देखेंगे क्या है कि ये जो सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ, पेट फूलना, पेट में दर्द और ऊपर को एसिड आना, ये कई बीमारियों में आता है, इस कारण से हमको इसकी जांच तक पहुँचना जरूरी रहता है। उसके लिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के लिए हम एक बेरियम स्टडी कराते हैं जिसमें एक्सरे होता है, दवा पिला के एक्सरे होता है, तो उससे हमको पता लगता है। और आजकल न्यू ट्रेंड्स में एंडोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करना पड़ता है जिसको ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी कहते हैं। मतलब ये कि हमको ईसोफेगस का पूरा एग्जामिनेशन करना है और स्टोमक का करना है और ड्यूडेनम का विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोप। उस एंडोस्कोपिकली एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि जैसे लोअर ईसोफेजियल जो वाल्व है LES जिसको बोलते हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट मीन्स लूज हो जाता है। कारण क्या है, नीचे से रिफ्लेक्स आता है तो वो उसको धीरे धीरे ऊपर बर्निंग करता रहता है, इस कारण से उसकी जो टोन है वो लूज हो जाती है। उस कारण से क्या होता है, खाना जो भी खाते हैं अपन, तो उसके कारण से रिफ्लेक्स और ऊपर आने लगता है जिसके कारण से बीमारी और बढ़ती है। दूसरा, हम अंदर जाके स्टोमक में भी एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी कई पैथोलॉजी मिल सकती है, अल्सर मिल सकता है और कैंसर भी मिल सकता है, ड्यूडेनम में डायबिटिकुला मिल सकता है, ड्यूडेनाइटिस मिल सकती है, बहुत सी पैथोलॉजी मिल सकती है। लेकिन चूंकि फिलहाल अपन GERD की बात कर रहे हैं, तो GERD में हम एंडोस्कोपी से उसको बीमारी को पहचान सकते हैं। तीसरा, pH मॉनिटरिंग करते हैं 24 आवर्स की, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन से हम GERD को पहचान देते हैं।
इसकी चार ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम देख लेते हैं ये ग्रेड 1 का है या ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। आमतौर पर जो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 ज्यादातर मिलते हैं, इरोजन हो जाता है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए दो दो इन्वेस्टिगेशन से मुख्य हैं। नंबर 1 एंडोस्कोपी, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, सेकंड बेरियम स्टडी। तीसरी चीज आती है सिंपल ब्लड एग्जामिनेशन, GID में हम कराते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी है और भी रूटीन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन, TNA, CBC, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ये रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं। चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं, क्योंकि GID का जो सिम्टम है वही सिम्टम हार्ट अटैक के पेशेंट को भी आता है। इसकी जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है ना ऊपर तक जाता है और लेफ्ट साइड की तरफ को रेडिएट करता है, तो लोगों को ये लगता है कहीं हार्ट में अटैक तो नहीं आ गया। तो ये नॉन कार्डियक सिम्टम्स उसका एक है कि ऊपर जाके लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्म तक सिम्टम इसका जाता है, तो मरीज को लगता है कि हार्ट में पेन, क्योंकि ये चेस्ट पेन भी करता है इसका जो सिम्टम। इसके ट्रीटमेंट में अपन को ध्यान रखना है, एक तो ट्रीटमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे कि एक तो नॉन मेडिकली, सेकंड मेडिकली। नॉन मेडिकली ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से हमको पेशेंट को बोलना है कि आप बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले वाले खाद्य पदार्थ ना खाएं, कॉन्टामिनेशन वाली चीजें ना खाएं, क्वांटिटी कम रखें भले ही फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो। जैसे कोई 2 बार खाना खाता है तो 3 बार खा ले, 4 बार खा ले, 5 बार खा ले, लेकिन क्वांटिटी कम रखें। तीसरी चीज, खाना खाने के बाद कम से कम नहीं तो 20 to 30 मिनट बाद पानी पिए। वो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसके तुरंत तो बाद पानी पीते हैं, वो नहीं पीना है। कम से कम 20 to 30 मिनट के बाद पानी पीना है। उसके बाद बहुत मोस्ट सावधानी क्या रखना है, जिन लोगों को GAID होता है उसको सिर की तरफ, जिसे सिरहाना बोलते हैं, उसको थोड़ा सा उठाया होना चाहिए, या तो ईंट लगा दें उसके बिस्तर से, और कुल मिला के 5 या 6 इंच उसका हेड का जो सिरा है उठा हुआ होना चाहिए। तो उससे काफी हद तक गैस्ट्रो का जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस है, वो बहुत कम हो जाएगी उससे। तो एक तो हमें नॉन मेडिकली ध्यान रखना है और लाइट एक्सरसाइज भी करना है। मेडिकली ट्रीटमेंट में जो आजकल है बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं मार्केट में, उसके लिए हमको सबसे पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देना पड़ता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा PPI देना पड़ता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। PPI में जो सबसे अच्छा जो हमारी प्रैक्टिस में है, इस्मोप्रोजोल कॉम्बिनेशन है। इस्मोप्रोजोल कॉम्बिनेशन बहुत बेटर और जल्दी हीलिंग करता है। उसके बाद ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेविप्राजोल, ये सारे PPI में आते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं मेडिकली ट्रीटमेंट में। बट स्टडी में इस्मोप्राजोल इज द बेटर देन दी अदर PPI। इस्मोप्राजोल, जैसे कि इस्मोप्राजोल, इसोमेक एल आता है, इस तरह से अपन को ये देना है। तीसरा एंटासिड देना है। एंटासिड के बाद हम इसको सुक्रालफेट भी दे सकते हैं, वो भी जल्दी से ये जो भी अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है हील करेगा। अगर इसका गैस्ट्रो इसोफीजर रिफ्लेक्स डिजीज का टाइम पर मैनेजमेंट नहीं किया तो इसका ग्रेड बढ़ता जाएगा और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा तो फिर इसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी निसेन फंडोप्लिकेशन किया जाता है, और वो लेकिन लास्ट स्टेज में है और लेप्रोस्कोपिक होती है, तो सर्जरी भी इसकी संभव है, लेकिन वो बहुत लास्ट स्टेज है। उससे पहले हमें सारी सावधानियां रखना चाहिए कि जिससे GAID नाम की बीमारी ना हो। और ये बहुत कॉमन है और कारण इसका अपने ही आसपास है, अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन और कुछ सावधानियां रखें और क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और अधिक मिर्ची मसाले युक्त भोजन ना खाएं, ज़्यादा खान पान कॉन्टामिनेशन वाला ना हो, और जो भी दवा लें कम से कम नहीं तो 2 महीने से लेकर 3 महीने तक
इसके पीपीआई का मैनेजमेंट लेना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से, और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। और हमारी यही कामना कि सभी लोग स्वस्थ रहें, कुछ मेडिकली अगर जरूरत ही ना पड़े, आप नॉन मेडिकली ही सावधानी से, बीमारियां नहीं होती हैं, अगर उसके बाद भी अगर हो जाती है तो किसी योग गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट को दिखा के बेरियम स्टडी या एंडोस्कोपी जो भी अवेलेबल है वहाँ, ये सारी चीज़ें कराना चाहिए, जिससे कि आप काफ़ी हद तक GERD नामक बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ ईसोफेगस के पास से होती हैं, वहाँ जो जंक्शन होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, सारी डेंजर बीमारी वहीं होती है। ईसोफेजियल वेराइसिस वहाँ होता है, जो सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट को होता है, बैरेट्स नाम का जो कैंसर का जो स्टेज है, बैरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं, वो भी वहीं होता है। उसके बाद कैंसर भी होता है तो वहीं पर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये नीचे से रिफ्लेक्स ज़्यादा जाता है तो जलाने के साथ साथ, इरोजन्स के साथ साथ वो ईसोफेगस को नैरो कर देता है। जो आपकी जो पाइपलाइन है ईसोफेगस की, वो लोअर एंड पर नैरो हो जाती, सिकुड़ी हो जाती है, जिसके कारण से बहुत से सिम्टम्स आते हैं, हार्ट बर्न, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ की सावधानी रखना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे मैनेजमेंट करना चाहिए। आप इसी के साथ में धन्यवाद बोलते हुए मैं डॉक्टर राकेश कंचन अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।